उमरकोट विधानसभा क्षेत्र 2019 रे बीजेपी एही आसन रे बहुमत हासिल करथिला। विधायक भाबे निर्वाचित होइथिबा नित्यानंद गंड विकास रो धारा को गति देबा पई अंटा भिडिथिले। हेले अनेक विकासमूलक कार्य रे शासक बीजेडी इंगित रे प्रशासन बाधा देइथिबा अभियोग होइछि। उमरकोट निर्वाचन मंडली लोकंक सह सरकार साबत भली व्यवहार करथुबा नै मध्य अभियोग होइ आसुछि। कोनोसी गरीब लोक को जहां योजना आसुछि जहां बाटमणा हो जाऊँ कोटि कोटि टंका 5G ना रे आसुछि पूरा बर्बाद कर दिया जाऊँ। मु बिजु जनता दल गोटे सक्रिय कर्मी 30 वर्षर किंतु बिजु बाबूंकर जहां आशा भरसा थिला उमरकोट पई मु तो भाबुछि ता पूर्ण होई पाबु। निर्वाचन मंडली रे प्रमुख उत्पादित कृषिजात द्रव्य होउछि मक्का। हेले मक्कार बिक्री पई स्वतंत्र किछि व्यवस्था नाही कि राज्य सरकार कदापि एथि प्रति ध्यान देइनाहंती। जेउथि पई चासी को प्रति क्विंटल रे 400 रु 500 टंका क्षति सहिबाकु पडुछि। ए नै बारंबार आंदोलन मध्य करि आसुछन्ती चासी। धान चासीकर मध्य समान समस्या। मंडीरे माळमाळ समस्या जोगु बाहर राज्यर माफिया एथि बेस एक्टिव। विधायक एही प्रसंग विधानसभा रे मध्य उठाइछन्ती हेले किछि लाभ मिलिनि। सेहिपरि केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान इथानल प्लांट पई 500 कोटि मंजूर कला परे भी प्लांट निर्माण पई जमी जोगाई देउ नाहंती राज्य सरकार। जेहेतु आमर एठि कोनोसी कलकारखाना समिति नाही तो बाध्य होइकि मु तापरे चाष कार्य आरंभ करथिली। मु धान आउ मका उभय चाष करे किंतु धान चाष आउ मका चाष तार फलन हेला परे आमे जोटा बिकिबु आमे सर तार भी कोनोसी सुविधा नाही। सरकारी स्तररे कोनोसी भी मकार मंडी व्यवस्था करा जाने एवं धान कथा भी सर जो मंडी व्यवस्था अच्छी तारे भी आपन देखि पार्थिबे जे मंडी रे नेले लोक केते हैरान होउछंती। मका प्रोडक्शन द्वितीय नंबर रे जाउछे आमर रायघर उमरकोट अंचल तो सेतिपाई आमे समस्त चाहिबु जेमती कि एठो लोक से माने काम भी पाई परिवे। उमरकोट अंचल रे गोटे मका कारखाना प्रतिष्ठा हेले निश्चित भाव रे समस्त माने जो दादन खटिबा जो लोक जाउथिले से माने मध्ये एठी उपकृत हे परिवे। चासिंकर समस्या इतिकि रे सरीनी। उमरकोट रु किछि दूर रे रहितबा फास्केल डैम उपरे मध्ये अनेकांश रे एठिकार चासी निर्भरशील। हेले 2 दशंधि धरि दाबी परे भी एही डैम रो पुनरुद्धार संभव हेउनी। जेउथिपाई चाष कामरे लागुनि ड्याम पानि। केनालर शेष मुंडरे थिबा जमिरे पानी पहुँचु नथिले भी चासिंको ठारु जलकर आदाय कराउथिबार मध्ये अभियोग होइछि। ड्याम पुति हेबा जोगु किछि लोक एहाकु चाष जमिरे परिणत करि हक सब्यस्त कलेणि। सेहिपरि ड्यामरे माछ धरि जीविका निर्वाह करुथिबा धीवरमानंक जीविका भी विपन्न। जलसेचन होउछि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जिनिष जोउथिरे जलसेचन विशेष भाबरे कोनोसी प्रकारर अग्रगति हेइ पारि नाही। गोटाए भास्कल ड्याम प्रोजेक्ट जहाँ थिला किंबा सिंगारी गोटे प्रोजेक्ट थिला ये 2-4 प्रोजेक्ट किंबा इंद्रावती प्रोजेक्ट जो जलसेचन होबा कथा ये समस्त तथापि आज पर्यंत बाकी पड़ी जो द्वारा चाषी जो 2टा फसल उत्पन्न करिवार जो स्वप्न लोक देखिथिले से कथा आज भी अधूरा अछि। अन्य पक्षरे उमरकोट निर्वाचन मंडली रो आउ एक मुख्य प्रसंग हेउछि उमरकोट को सब डिविजन मान्यता। एनै आंदोलन विक्षोभ सब चलिछि हेले सरकार न छोड़ बंधा। एथिसह रायघर को एनएससी मान्यता दाबी रे भी लगातार भावे लोके राजरास्ता को ओल्हाउछंती। विधायक एनै यथासाध्य उद्यम करुथिले भी सरकार किंतु ए सब दाबी प्रति कर्णपात करुनाहंती। आपणकर सब डिविजन गोटे मुख्य समस्या अच्छे जेहेतु सब डिविजनल सब जिन आज पर्यटन घोषणा हो पारिने। उमरकोट जो 5टा दाबी आम जिलापा देखु तीन दाबी जाक दिया किंतु वर्तमान सरकार अच्छी बीजेडी रु पूर्ण हो पार नहीं समस्या जाक 25 वर्ष शासन रे ना सब डिविजन हो पारि जहाद्वारा लोक बहुत असुविधा सुरक्षित हो दरकार पड़े नवरंगपुर जावाक पड़ी ना मेडिकल को डेवलपमेंट हो पारि ना बाईपास रोड हो पारि। यह व्यतीत रक्त भंडार कार्यक्षम करिबा लैंड सेटलमेंट और बाईपास रोड निर्माण पर प्रसंग एथर निर्वाचन में प्रमुख मुद्दा पलटिव। उमरकोट विकास परिषद मंच पक्ष जिलापालंक निकट में मध्य एने दाबी रखाई हेले एजाए कौन पदक्षेप निया आदिवासी को जंगल जमिपटा न दे केन्द्र सरकार योजन वंचित रखी आउथिपाई उमरकोट बस स्टाण एक विशाल विक्षोभ। लोक गत थर बीजेडी को गादी हटाई देते एथर मध्य पुणी उमरकोट प्रति सरकार आखि बुझी लोके निर्वाचन रे यार जवाब देबे बोली चर्चा होउछि। उमरकोट निर्वाचन मंडली रे जो उन्नतिर परिलिखित हवा कथा एही सरकार 24 वर्षर सरकार द्वारा ताहा हेई पारु नाही। सबु लोकंकर स्वास्थ्य दृष्टि ब्लड बैंक गोटे हेई पारला नाही।
ଉମରକୋଟର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ହୋଇପାରିଲାନି। ରେଭିନ୍ୟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ସେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କାମ ବି ହୋଇନି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଟା ଗୁଡ଼ାକ ଅଦ୍ୟପି ଭୁଲ କରି ଅପଲୋଡ଼ ବି ହୋଇପାରିନାହିଁ, ତଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ବି କହୁଛୁ, ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଏସିମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ। କାହିଁକି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ତ ଦିଆଗଲା, ଆମକୁ କାହିଁକି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଲି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛୁ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଉ ଏକ ଟେନସନ୍ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ। ଏବେ ପରିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଲାଣି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ। ଏବେ ଏବେ ତ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରି 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗ। ରାଇଘର ବ୍ଲକ କୁନ୍ଦେଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଉଡୋଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଧନରା ଗ୍ରାମରେ କିଛି ଲୋକ ମକା ଗଛ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ଖବର ପାଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କହିହେବ ଉମରକୋଟରେ ଦୂର ପାହାଡ଼ ସତରେ ସୁନ୍ଦର। ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।